नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा की नव शक्तियों में से एक स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी का है। दूसरा दिन यानी माँ ब्रह्मचारिणी का दिन माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं। कार्यों में आ रही रुकावटें बाधाएं दूर हो जाती हैं। ब्रह्मा शब्द का अर्थ है तपस्या और ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली। कथा के अनुसार इस देवी ने पिछले जन्म में हिमालय के घर में जन्म लिया और भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, इसलिए माता पार्वती को ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि क्या है पूजा की विधि। नवरात्र के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके माँ की पूजा के लिए पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। उसके बाद शांत और सच्चे मन से माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करें। पूजा के लिए माता को दूध, दही, घी, इत्र और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद माता को फल, फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, मिश्री, पान, सुपारी चढ़ाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध से बने हुए मिठाइयाँ बहुत पसंद है, इसलिए माता को दूध और दूध से बनी चीज़ों का भोग लगाएं। इसके बाद माता को प्रसन्न करने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र का जाप करें। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विचलित नहीं होता, सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसाओं से मुक्ति के लिए माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान लगाना अच्छा रहता है।